बड़वानी जिले में नेशनल लोक अदालत में 2035 प्रकरणों का निराकरण हुआ। लोक अदालत में 3 करोड़ से अधिक का अवार्ड पारित हुआ। लोक अदालत में कुछ समझौते के मामले खास रहे। बड़वानी जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 2035 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 3,46,51,249 रुपए का अवार्ड पारित हुआ है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों से 2661 लोगों को लाभ हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री अमित सिंह सिसोदिया से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 12,188 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 1,769 प्रकरणों का निराकरण होकर उनमें 56,89,619 रुपयों का अवार्ड पारित हुआ है। वहीं पेंडिंग प्रकरण 2,203 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 266 प्रकरणों का निराकरण होकर उनमें 2,89,61,630 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत आज 14 मई सन 2022 को पूरे भारतवर्ष में आयोजित है। यह नेशनल लोक अदालत नालसा नई दिल्ली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा आयोजित की जाती है, तारीख निर्धारित की जाती है। इसके अनेकों फायदे हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर बार की तरह इस बार भी नेशनल लोक अदालत को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह और लोक पर्व की तरह मनाती है। आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होंगे कि आज सामान्य तौर पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, एक के साथ अनेक लोग आते हैं। लोक अदालत में दो स्तर होता है, एक प्री लिटिगेशन होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब कोई प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं है, उसके पहले जो विवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो रहे हैं उनका निराकरण किया जाना, और उसके पश्चात ऐसे मामलों का निराकरण किया जाता है जो न्यायालय में वास्तविक रूप से पंजीबद्ध है। पक्षकारगण समझाइश के द्वारा या स्वयं के समझ से आपस में राजीनामा करते हैं और ये लोक अदालत में उपस्थित होते हैं। लोक अदालत में जब ये उपस्थित होते हैं तो इनके उन प्रकरणों को जो राजीनामा के योग्य होते हैं, राजीनामा किए जाने पर इनका निराकरण करके इसे यहीं समाप्त कर दिया जाता है। तो सुलह से, भाईचारे से पक्षकार अपने विवाद को समाप्त करते हैं। यहाँ से लौटने के बाद जब वह अपने गांव में, समाज में, घर में जाते हैं तो इनके बीच में कोई विवाद नहीं रहता। ये अपने पूरे भड़ास को बाहर निकाल लेते हैं। इस वजह से इनमें भाईचारा लोक अदालत के माध्यम से डेवलप होता है, स्थापित होता है। इसका एक बहुत अच्छा लाभ ये भी है कि अगर ये इन लोगों ने न्यायालय फीस कोई पटाई है तो लोक अदालत में वो फीस पक्षकार को वापस हो जाती है, और जिन प्रकरणों में राजीनामा के तहत लोक अदालत में समझौते किए गए हैं इनमें आगे के न्यायालयों में कोई अपील नहीं होती। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट।